welcome to the lecture number 19. We are moving towards the end. और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है एक academic lecture में या academic argument में कि how to handle the plagiarism. Welcome guys to the 19th lecture. और इसमें हमने क्या पढ़ना है in the project in developing your project and thesis or project and proposal में सबसे ज्यादा important चीज क्या है How to handle plagiarism. कि plagiarism होता क्या है पहले इसको समझना चाहिए. plagiarism क्या होता है कि आपने किसी की चीज को copy नहीं करना. You have to be originally derived your work. ठीक है, आप लोगों ने copy की तरफ नहीं जाना. आप लोगों ने देखना है कि मैं अपने अल्फाज में कैसे चीजों को लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ. That's really really important. और project integrity को understand करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी भी इसी में है कि आप उसको कॉपी ना करें बल्कि अपने ओरिजिनल कंटेंट को प्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी मेडिसिन पे जो कि आपने लैब में तैयार की है और इमेजिन करें कि कोई और आता है और आपके मेडिसिन को अपना रिप्रेजेंट करता है तो हाउ यू फील डेफिनेटली बैड अबाउट इट. आप क्यों बैड फील करेंगे? क्योंकि आपने मेहनत की, आपने काम किया, आपने अल्फाज जनरेट किया, आपने केमिकल जनरेट किया या आपने कोई स्टेटिस्टिक्स का कोई फार्मूला है जो ड्राइव किया. तो हाउ डेयर समवन टू कॉपी इट. लीगली इस चीज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया गया है कि कोई भी ऐसी पब्लिकेशन को जो है पब्लिश नहीं किया जाता विच आर कॉपीड या फिर जो कि पायरेटेड कॉन्टेंट जिसको हम कहते हैं. पायरेटेड कंटेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता. देखिए किसी भी कंट्री में भी लीगली ये इनलीगल काम है कि आप किसी के कंटेंट को लें. हाँ, इसके कुछ तरीके हैं कि या तो आप ऑथर से उस चीज को खरीद लें कि जी अब ये चीज आपकी नहीं, ये मेरी है. जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बाद वो बायर की नहीं रहती, वो मतलब सेलर की नहीं रहती, वो बायर की हो जाती है. तो इस तरह से हम कॉन्टेंट को खरीदते भी हैं. गोस्ट राइटिंग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने. पोस्ट राइटिंग क्या होती है कि एक बंदा है, उसके लिए आपने लिखा है और आप उसके लिए लिख रहे हैं और फिर इस शर्त में लिखा जाता है कि जी आपका जो कंटेंट है वो मेरे नाम से पब्लिश होगा. कुछ लोग लिखते हैं दूसरों लोगों के लिए लिखते हैं. जब बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले दूसरों के लिए लिखते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए. इसलिए भी लिखा जाता है, कि उनको ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसके लिए भी वो लिखते हैं. बट ये एथिकली मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता कि आप किसी के लिए लिखें और फिर कोई आपका लिखे थे आपकी मेहनत पे अपना नाम उसको दे और फिर उसको पब्लिश करवा दे. सो बी केयरफुल अबाउट इट कि आप कॉन्टेंट कभी भी पायरेटेड ना हो. पायरेटेड मतलब चोरी किया हुआ ना हो, किसी के अल्फाज ना हो. इवन अगर आप किसी का एक लाइन भी कॉपी करके अपने मटेरियल में पेस्ट करते हैं तो उसको प्लेजरिज्म रिपोर्ट एक आती है जो कि ड्राइव्ड होती है डिफरेंट प्रोफेसर्स के पास. हमारे पास डिफरेंट हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं जिनके पास भी आप काम कर रहे हैं, उनके पास एक आईडी प्रोवाइड की जाती है. आई फॉरगॉट द नेम. उसके ऊपर एक आईडी होती है जहाँ पर प्लेजरिज्म चेक किया जाता है. डिफरेंट वेबसाइट होती है, ट्यूटन है, आई जस्ट फॉरगेट द नेम. ओके, वहाँ एक आईडी जनरेट की जाती है. आईडी जनरेट करने के बाद आपको प्लेजरिज्म का होल्ड मिल जाता है. प्लेजरिज्म के होल्ड मिलने के बाद आप जो है उस पर अपना आर्टिकल मतलब प्लेजरिज्म जो है आप डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर से. उसके बाद आप अपना आर्टिकल उसके ऊपर डालते हैं और वहां पर आईडी आर्टिकल को वो क्या करते हैं, पूरा स्कैन कर देता है. वो पूरा स्कैन करने के बाद जो है बताता है कि इसमें कौन कौन सी लाइन जो है वो आपने कॉपी की है. कॉपी की है मतलब वो तो अंडरलाइन कर देता है कि इस जगह पर आपका प्लेजरिज्म आ जाता है. आप प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म आपने अबाउट इट इज कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमें प्लेजरिज्म जो है वो कहा गया था कि शुड बी 19 to 20%. इससे ज्यादा प्लेजरिज्म हुआ तो योर थीसिस विल बी रिजेक्टेड. सही हो गया, आपका थीसिस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर से आपने देखना होता है, उसमें चेंजेस करनी होती हैं, पैराग्राफ्स को चेंज करना होता है. अब सबसे अगर आप एकेडमिक्स के उसके बिल्कुल लास्ट में हैं और आपने प्लेजरिज्म को ठीक करना है तो इसके 5-6 तरीके होते हैं. या तो आप ओरिजिनली कंटेंट को चेंज करें, ओरिजिनली जो है दोबारा चीजें लिखें. बट ऐसा हुआ हमारे साथ, क्या हुआ था कि वी हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग
ओरिजिनली हमने कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्लेजरिज्म 24 पर अटक गया था और वो जा ही नहीं रहा था. तो हमने एक टेक्निक यूज की फ्रॉम द इंटरनेट, कोशिश करें अपना मटेरियल बार बार इंटरनेट पर, हमने जो गलती की वो ये थी कि हम बार बार अपना मटेरियल इंटरनेट पर डाल रहे थे और देख रहे थे कि प्लेजरिज्म आ रहा है, प्लेजरिज्म आ रहा है. उसकी वजह से भी हमारा प्लेजरिज्म बार बार आना शुरू हो गया, क्योंकि वो मटेरियल ऑलरेडी नेट पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया. तो उसको बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बार बार चीजें नेट पर नहीं डालनी, आपने एक बार प्लेजरिज्म चेक करना है. एक बार प्लेजरिज्म चेक करने के बाद उसको साइड पर रख देना है, क्योंकि जो चीजें प्लेजरिज्म आई है उनको निकालें, बाय उनको आप रीसेंटेंस करें. इफ यू आर ट्रूली कॉन्फिडेंट के ओके ये मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल मेरा लिखा हुआ है, मैंने कहीं से कोई लफ्ज का कॉपी नहीं किया है, इट्स नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी अदर मटेरियल एनी अदर पर्सन, या बिल्कुल हमने जो हम सब स्टूडेंट हैं या हमारा जो ग्रुप है हमने लिखा है. अगर देखें दो लोग लिख रहे हैं और बार बार एक प्लेजरिज्म आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि दो किसी और लोगों से लिखवाएं उस चीज को, ठीक है, उनको ये पूछें कि अगर आपने ये पैराग्राफ लिखा होता तो आप इसको कैसे लिखते हैं, एक ये तरीका. बिकॉज राइटिंग स्टाइल डिफरेंस होने की वजह से भी प्लेजरिज्म कम आना स्टार्ट हो जाता है, राइट. ये तब की बात कर रही हूँ जब यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर डेटा कि ठीक है बस अब सिर्फ जो है प्लेजरिज्म का इशू आ रहा है. जैसे हमारा मैंने बताया 24% पर रुक गया था. हम चार लोगों का ग्रुप था एंड देन वी स्टार्टेड कि हम इसको कैसे सॉल्व करें. हमारी हमारे सुपरवाइजर थे वो बहुत जबरदस्त इंसान थे और उन्होंने हमें बताया कि आपका प्लेजरिज्म इतने परसेंट आ रहा है, बट ये थर्ड टाइम है, तो अब आप ऐसा करें कि अगर आपने खुद लिखा है, बिकॉज हमने सारा कुछ उनके सामने ही लिखा था, यूनिवर्सिटी में ही जाकर हम काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसका एक सोल्यूशन है. वो सोल्यूशन क्या है, वो एक शॉर्टकट सोल्यूशन आप कह सकते हैं, यू कैन यूज इट इन योर रिसर्च एज वेल, कि आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करें. एक ये चीज हो सकती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर लें, एक्टिव वाइज है तो उसको पैसिव वाइज में डिफाइन करना स्टार्ट कर दें चीजों को. इस फिर भी अगर उस पर दोबारा दोबारा वही प्लेजरिज्म आ रहा है, तो जो वर्ड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक आर्गुमेंट पेश किया, मैं उसकी बात करें, एक ऑथेंटिक आर्गुमेंट है और आप उस आर्गुमेंट को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि दिस इज द माई बेस्ट सपोर्टिव आर्गुमेंट बट इसमें प्लेजरिज्म आ रहा है. कभी कभी होता है कि आपका राइटिंग स्टाइल दूसरों के साथ मिलता जुलता होता है, तो प्लेजरिज्म का थोड़ा बहुत मतलब वो लगता है कि इसने इस बंदे ने वहां से कॉपी किया है. प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप उस एकेडमिक की इंटीग्रिटी को कॉपी कर रहे हैं, इसको चोरी कर रहे हैं इन द सिंपल वे. तो अगर आपने नहीं ऐसा कुछ किया तब भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस की जो मेकिंग है या सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लें. नंबर टू सेंटेंसेस को चेंज कर लें. नंबर थ्री उसके जो है वर्ड्स को चेंज कर लें. आप कोशिश करें कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं उनके सिनोनिम्स निकाल कर, ये बहुत ही एक ट्रिक है, सिनोनिम्स निकाल कर उनको ऐड अप करें. सिनोनिम्स को ऐड अप करने के बाद आप देखेंगे कि प्लेजरिज्म की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, प्लेजरिज्म आपका कम हो जाएगा. मैं फिर कह रही हूँ कि सेंटेंस को सिर्फ, लेकिन ये तब की बात है जब ट्रूली ट्रूली किसी एक पैराग्राफ पर अटक जाता है प्लेजरिज्म, उसकी बात करें. बट होली सोली अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो मतलब आपने इसको कॉपी किया है, आपका जो पेपर है, जो थीसिस है, वो आगे नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म. क्योंकि जो डिफेंडर्स होते हैं या जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल या सुपरवाइजर होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट पे कितने परसेंट जो है वो कितने परसेंट प्लेजरिज्म आपका आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को. चाहे आपने जितना अच्छा डेटा कलेक्ट किया हो, जो भी अच्छी मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर ली है, मगर अगर आपने लिखा हुआ जो डेटा है वो कहीं से कॉपी किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कभी भी, दैट रिमेंबर. चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और आज की पीपीटी की तरफ, जहां पर हम बताएंगे आपको कि प्लेजरिज्म क्या होता है, कैसे उसको हैंडल करना है और ऑल द डिटेल. ठीक हो गया जी. ओके नाउ गोइंग टुवर्ड द पीपीटी. हाँ जी, एकेडमिक रूल है ये, इंटीग्रिटी है. सबसे पहली बात ये है कि ये एक रिस्पेक्ट है किसी भी बचाने के लिए. मैं आपको बताऊँ ना, अपने पेपर को किसी भी गलत लोगों के हाथों से जाने के लिए बचाने के लिए जो है ये है. ठीक है,
अब आपने ये देखना है कि किस किस तरह जो है आप इसको हैंडल कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट को एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो आगे चलते हैं। आई एम मारिया फैयाज, और इसके बाद ही आपका जो टास्क है वो भी यही है कि जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे सेकंड प्रपोजल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप प्लेजरिज्म हमें बताएंगे। तो देन आपने प्लेजरिज्म को चेक करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है प्रपोजल को। एक क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ कि प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी क्या है। ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी। ट्रांसपेरेंसी, सफाई, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी हमारे पास क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है कि बिल्कुल क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज होना चाहिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट फेज टू सेकंड फेज टू द एंड। एक आपने इसमें से कोई भी चीज कॉपी नहीं की। टू अवॉइड प्लेजरिज्म और कॉपिंग समवन कंटेंट विदाउट हिज और हर एक्नॉलेजमेंट, मतलब उसके जाने बगैर आप उसके मटीरियल को कॉपी करते हो, दैट फॉर प्लेजरिज्म। नाउ प्लेजरिज्म की अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी क्या है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट, होली सोली आपका ही प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसी का कॉपी उठाकर नहीं कि किसने काम किया आपने दोबारा उस पर ही काम कर लिया। नहीं, अगर आप उसी पर काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नया जनरेट कर रहे हैं, देन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज वैल्यूएबल। अच्छा जी, डेलिबरेटली प्रेजेंटेशन ऑफ अनदर पर्सन वर्क एज इफ वर योर ओन विदाउट एक्नॉलेजमेंट। आप फ्रॉम वेयर इट कम क्विक द रेंज ऑफ एक्टिविटी कैन बी कास्ट क्लास एज प्लेजरिज्म। किसी भी चीज को कॉपी करना, किसी के कंटेंट को अपना कंटेंट कहना क्या कहलाता है? प्लेजरिज्म कहलाता है। लर्निंग एंड अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, कैसे हम प्लेजरिज्म को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? अंडरलाइन अ रेंज ऑफ एक्टिविटी कैन बी, एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। हैंडलिंग इज अनदर स्टूडेंट्स वर्क विदाउट हिजर नॉलेज को। अब क्या होता है कि आप किसी का काम है, वो पहले से उस पर काम कर रहा है, लेकिन आप दोबारा उस पर काम शुरू कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है ना। आप किसी को, किसी ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चूज किया हुआ है, अगर आप जिद में आकर उसी का प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं या आपको नहीं भी पता, बट इसीलिए जो है हम कंसर्न करते हैं अपने प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर से ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जैसा काम कोई और तो नहीं कर रहा। हम इंटरनेट पे इसीलिए सर्च करते हैं, इसीलिए डिफरेंट साइट्स को देखते हैं, जो मैंने आपको साइट बताई ना, जी स्टोर और डिफरेंट साइटेशन साइट्स हैं। इससे ये नॉलेज हो जाता है कि कितने परसेंट बेस पर काम हुआ है। कॉपिंग एन एसे आर सम टेक्स्ट फ्रॉम अ सोर्स टेक्स्ट विदाउट अ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। आप कॉपी उठा लेते हो, कॉपी कर लेते हो टेक्स्ट को, उसको मतलब आपको पता भी नहीं होता कि इस बंदे ने इसकी एक्नॉलेजमेंट दी है कि नहीं, लेकिन आप कॉपी करके अपना काम पूरा करते हो। ये एक इलीगल काम है जो से आपका काम आगे नहीं जाता। पैराफ्रेजिंग मटेरियल फ्रॉम अ सोर्स टेक्स्ट विदाउट अप्रोप्रिएट रेफरेंसिंग। आप पैराफ्रेजिंग कर लेते हो, पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि आप फ्रेज चेंज कर लेते हो, लेकिन आप उसके अप्रोप्रिएट जो है वो क्या करते नहीं हो, मतलब उसकी रेफरेंसिंग जो है वो नहीं करते हो, यानी ये एक्नॉलेज नहीं करते हो कि ये सही मटेरियल है या नहीं है या कहाँ से उठाया आपने। मतलब एक्नॉलेज करना ज्यादा जरूरी है मगर आप नहीं करते हो, ठीक है। रेफरेंसिंग जो स्टाइल होता है ना, समझ आ गई है। यूजिंग समवन एज आइडियल आर्गुमेंट विदाउट एक्नॉलेजिंग। अब क्या होता है कि चोरी करना किसी के आइडिया को, अब आपने क्या करना है कि आपने उसको बताया नहीं है और आपने पकड़ के उसका तमाम आइडिया जो है वो शेयर कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में जैसे दिखाते हैं कि एक बंदे ने फॉर्मूला बनाया और दूसरा बंदा जाके कहता है उसको मार चार के, ये जो है मेरा आइडिया है, ठीक है, देन द फेज ऑफ रिवेंज स्टार्ट। बट ये कोई मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत काम है। तो आप समवन किसी का भी आइडिया उठा लेते हो और उस आइडिया को चोरी कर लेते हो, बट रिमेम्बर दैट आप को उस आइडिया का कोर कंटेंट नहीं पता होता, इसलिए आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो व्हाइल डिफेंडिंग योर आइडिया, बिकॉज इट्स नॉट योर आइडिया ना। इसीलिए अपना अपना आइडिया जनरेट करें ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें बाय डेवलपिंग योर ओन सेल्फ। ओके, यूजिंग समवन एज आइडिया आर द आर्गुमेंट विदाउट, हो गया। हैंडलिंग इन मटीरियल डाउनलोडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट,
और जो आजकल के स्टूडेंट जबरदस्त काम करते हैं वो सब, अगर उनसे कोई असाइनमेंट मांगी जाए, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती हूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बड़ा समझते हैं कि हमें ना टीचर को पता नहीं चलेगा लेकिन क्या होता है कि वो उनको एक टॉपिक दिया जाता है, वो सेम टू सेम जाकर टाइप करते हैं इंटरनेट पर और उठाकर उसकी एक फाइल बनाकर ऊपर अपना नाम डाल के हमें दे देते हैं। बट गलती ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ क्लास ऑफ 70 to 80 स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि 5 या 6 सेम तरह के आर्टिकल हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे वैसे भी पता चल जाता है कि कॉपी वेस्ट है या बच्चे की अपनी राइटिंग नहीं है। सो इस तरह का काम ना करें कि डायरेक्ट इंटरनेट से उठाए और उसको चेंज कर लिया। ऑथेंटिसिटी ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी नोन व्हाइल यू आर यूजिंग इट इन योर रिसर्च। नाउ हाउ डू यू अवॉइड प्लेजरिज्म? ट्राई टू राइट योर नोट इन योर ओन वर्ड। पहली बात, अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें, डायरेक्टली कॉपी ना करें, उसका कॉन्सेप्ट समझें कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, किस तरह की नॉलेज को शेयर करने की कोशिश की है, कोर वैल्यू क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज किस तरह का यूज किया गया था, तो ये लाइन जनरेट हुई और मैंने अपने बैकग्राउंड नॉलेज के मुताबिक इस लाइन को कैसे यूटिलाइज करना है। बी श्योर टू डिस्कसिंग इन योर ओन नोट बिटवीन द डायरेक्ट नोट कोट्स एंड योर ओन पैराफ्रेज। बी श्योर टू डिस्टिंग्विश, अपने नोट को डिस्टिंग्विश करें विद अनदर। आपके और दूसरे की राइटिंग में फर्क होता है ना, जैसे लिखने में, इसी तरह आपके और मेरे बोलने में जैसे फर्क है। अब यहाँ पर एक और टेक्निक, जैसे मैंने जब आपको बताया था कि आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो कलर यूज करें, डिफरेंट डिवाइड करें उन कलर्स को, आपको पता चल जाएगा कि आपके नोट कौन से हैं और दूसरे नोट्स कौन से हैं, तो इसमें एक डायरेक्ट सा टेबल बन जाएगा ना आपके पास, आप बस एक टेबल आ जाएगा कि मैंने इस लाइन को कैसे पैराफ्रेज किया है, माय ओन वर्ड किस तरह लिखना है। बिकॉज देखिए, आपके जो नोट्स हैं, आपका जो टॉपिक है वो एक अलग डायरेक्शन है, बट यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन ना, तो आप उसको कॉपी करके तो नहीं लिख सकते हो, वो ही गलत जाएगा। हो सकता है वो सेंटेंस जो है जिस तरह आप समझ रहे हो उसको सूटेबल ही ना हो, तो ये थोड़ा सा देखना। राइट डाउन द रेफरेंस राइट डाउन द रेफरेंस टू इट एट द सेम टाइम। देखिए, अगर आपने किसी का कोई डेटा उठा भी लिया है तो उसको सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मुझसे ये पैराफ्रेज नहीं हो रहा, जो डायरेक्ट लाइन है वो ज्यादा खूबसूरती से लिखी गई है, या मुझे यही ऐड करनी है, तो ऐड रेफरेंसिंग ऐड करें, उस बंदे का नाम ऐड करें, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐड करें, तब ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा। और फिर उसके साथ डबल साइटेशन कोड या इन्वर्टेड कॉमास जो है उसको बंद करें उस पर पूरे लाइन को, और फिर ये शो करेगा कि ये जो पैराग्राफ है या ये जो लाइन है ये इसी तरह सेम टू सेम बोली गई है फॉर द पर्सन दैट इज रेफरेंस्ड इन द इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या आपने उस बंदे का नाम, उसका रेफरेंस, उसका जो नॉलेजेबल एरिया है या उसका जो पेपर है उसने उसको आपने लिखना है इन अ सर्टेन एरिया, और फिर आपने शो करना है इसको। अवॉइड कॉस्मेटिक चेंज टू द अदर पीपल वर्क, फॉर एग्जाम्पल डू सब्स्टिट्यूट सिमिलर वर्ड, अब रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, अल्टर अ स्प्रेडशीट लेआउट ऑफ पैराग्राफ। वैसे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वही बताया कि आपको ये कि आप ये तब कर सकते हैं जब आपने खुद ही लिखा हो, तो आप अपने अल्फाज को चेंज करने के लिए ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें सेंटेंस को, मतलब एक्टिव है तो पैसिवाइज कर दें, और लेआउट को चेंज कर दें। मगर ये तब करिएगा जब आपका पैराग्राफ प्लेजरिज्म किसी एक पैराग्राफ पर रुक जाए, क्योंकि बार बार इंटरनेट पर डालने की वजह से ये थोड़े मसले आते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरे को आप इस तरह ना करें, वो एक अलग चीज है। What is the difference method of referencing? Referencing के different methods हैं, एक बहुत ही जबरदस्त चीज है ये referencing. There are the multiple different style of referencing and you should discuss with us with your supervisor. पहली बात ये होती है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना referencing style होता है, पहले जाकर सुपरवाइजर से पूछें कि जी मैंने किस तरह referencing करनी है। The style that you decided upon will be detailed directly how you can citations होती हैं author with a piece of work. Whenever you make a point in your writing which drawn upon evidence or the work of another
author, you can make a citation. Citations का पता है आप लोगों को citations क्या होती हैं? कि जैसे कि आपने पहले author का नाम लिखना है, then उसका publications लिखनी होती है, वो उल्टा नाम लिखना होता है, उसका first नाम पहले लिखना होता है, फिर उसका second नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद उसके year of publication लिखनी होती है और number of pages लिखने होते हैं, वो आपने add कर देना है. Format जो है वो पब्लिकेशन यहाँ पे दिस मे बी इन अ फॉर्मेट ऑफ द नंबर ऑफ द फुट नोट्स आर देयर नेम एंड अ डेट ऑफ पब्लिकेशन इन अ ब्रैकेट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंसेस. मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोट लिखा, फॉर एग्जांपल CSR इज द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. ये लाइन फॉर एग्जांपल कॉलिन 2019, इसका क्या मतलब है? जो कॉलिन है 2019 लिखा गया है. अब ये दो चीजें क्या शो करती हैं कि तो कॉलिन एक बंदा है, एक राइटर है और उसका जो पब्लिकेशन है इन 2019 ये हो रहा है. ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी. अब आपने साइटेशन देखनी है, आपने रिव्यू करना है कि आपने कितनी तरह की रेफरेंसिंग ऐड की है, उसको डिस्कस करना है कि आपने रेफरेंसिंग सही स्टाइल में की हुई है, साइटेशन सही स्टाइल में की हुई है या नहीं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप साइटेशन करते हैं और देखते हैं कि जी किस तरह आपका नॉलेज जा रहा है. थैंक यू सो मच. और अपना जरूर बताइएगा मुझे अपने रिव्यूज में कि आपने कैसे रेफरेंसिंग की है, प्लेजरिज्म कितने परसेंट आया है. एक दफा सुपरवाइजर के पास जाकर या किसी भी फ्रेंड के पास जो कि एकेडमिकली होल्ड करता हो प्लेजरिज्म को, उसके पास जाएं, उसको कहें कि मुझे एक रिपोर्ट निकाल के दें ऑन माय रिसर्च और देखें कि आपका प्लेजरिज्म किस तरह का आता है. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हाफिज़.